बभिन गांव थाना बखरी जिला बेगूसराय में मैंने एक वीडियो बनाया था जुलाई 2013 में। पहले टूटी हुई झोपड़ी में चल रही थी और अभी भवन में चल रहा। मेरे पास यही समस्या है, मेरे पास भवन नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, बच्चा को पढ़ाने में भी दिक्कत होता है। एक ही रूम है, उसमें खाना भी बनाते हैं और बच्चा लोग को बहुत दिक्कत से बैठा करके पढ़ाते हैं। चापाकल भी नहीं है, शौचालय नहीं। बच्चों को धूप और बारिश में कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। सही का भी उसी टूटी झोपड़ी में खाना पकाती है। चूल्हा के धुआं बच्चे पे बुरा असर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या समस्या है? बारिश आ रही है तो टिक जा है सब चीज़, दाल चावल टिक जा है, जरना टिक जा है, कागज पत्तर टिक जाए है, बच्चों टिक जा है, काजू बहुत हो जाए है। तो समस्या बहुत यहाँ पर गंभीर है जब बारिश आ रही है। इसके बारे में मैंने CDPO मैडम से बात किया था तो उन्होंने बताया कि आपका परिवर्तन हम कर देंगे। तो अभी स्कूल के भवन में बच्चे सब को व्यवस्थित कर दिया है और अभी बच्चे सब खुशी से पढ़ रहे हैं और टीचर खुशी से पढ़ा रहे हैं और सेविका खाना भी बढ़िया से बना रही है। तो उन्होंने सब बताया कि अभी हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पर वीडियो अगर आप लोग वहाँ पर दिए थे CDPO मैडम आई निरीक्षण करने के लिए, वो निरीक्षण करके यहाँ पर भी आई तो आप लोग यहाँ बहुत परेशानी है। बच्चा का बैठने का भी नहीं साधन है, खाना बनाने में दिक्कत होता है, जलावन उलावन सब चीज़ भीग जाता है। आप लोग जाइए स्कूल पर अच्छा से केंद्र चला देगा, वहाँ पर आपको अच्छा बच्चा का मैं इंदू जिला बेगूसराय से इंडिया हनट के लिए।